इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अमननगर, गांधीनगर, न्यूगांधीनगर के तमाम जिम्मेदार अहबाबों ने हाल ही में अखिलेती तरक्याती कारपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर बेलगाम शहर के जनाब मुख्तार हुसैन पठान के हुकूमत की जानिब से नामजद किया गया, लिहाजा इसी के मद्देनजर अमननगर न्यू गांधीनगर की जानिब से मुबारकबाद का इजलास मुनक्कद किया गया। बेलगाम से ही 3 बार MP मुंतखब हुए सुरेश अंगड़ी को जो मरकजी वजीर है इन्हें भी मधु किया गया था। दीगर खसूसी मेहमानों में अनिल बन के हरकनी, ताज शेख, तस्दीक पटाई, तजीम पटवेगार भी शरीक रहे। अमननगर कमेटी के सदर जनाब इजाद हाकिम ने सभी मेहमानों का इस्तकबाल किया और गुलपोशी फरमाई, शामपोशी भी फरमाई गई। सैकड़ों की तादाद में जमा हुजूम को देखकर नॉर्थ MLA अनिल बेनके ने कहा कि हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतनी कसीर तादाद में अवाम इकट्ठा होगी। आगे कहा कि जो भी अमननगर, गांधीनगर और दीगर अकलियती इलाकों में जो मसाइल हैं इन्हें दूर करने की कोशिश हमारी रहेगी, हमारा ये वादा भी रहा, ऐसा उन्होंने कहा। इसी दौरान इजाज हकीम और जिम्मेदारों ने गांधीनगर, अमननगर रेलवे और ब्रिज का मुतालबा भी पेश किया, जिस पर मरकजी वजीर और रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी ने फौरी तौर पर काम को अंजाम देने का वादा किया। मुस्लिम खवातीन को अगर मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिला है इन्हें इस हफ्ते में अर्जी दाखिल करने को कहा और फौरी तौर पर गैस दिया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने अकलियतों को जो भी योजनाएं जारी की जाएंगी अवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ऐसा भी कहा। अकलियतों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का आगाज किया हुआ है, लिहाजा माइनॉरिटी दफ्तर से फार्म हासिल करें और जो भी खवातीन और हजरात के लिए स्कीम जारी है इसका फायदा उठाए। कर्नाटक माइनॉरिटी डेवलपमेंट चेयरमैन मुख्तार हुसैन पठान ने सभी का शुक्रिया अदा किया और MLA बेनके और वजीर सुरेश अंगड़ी ने भी तमाम आवाम का शुक्रिया अदा किया। इस कामयाब इजलास को तकमील तक पहुंचाने में खासकर इजाज हकीम, तस्दीक पटाईत ने खुसूसी मेहनत फरमाई। इस वक्त गांधीनगर के साबिक कारपोरेटर अजीम पटवेगार भी शरीक रहे, सलीम आरफानी, अजीज बागदार, असद दरगाह भी इस इजलास में शरीक रहे। तस्दीक पटाईत ने खासकर इसमें अपनी मेहनत फरमाई थी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तालियां बजाओ क्योंकि केंद्रीय मंत्री आपके सामने हैं। ये छोटे से हम सोच रहे थे कि कहां तो घर में आपने कार्यक्रम किया है, लेकिन इतना बड़ा पेंडा डाल के इतना बड़ा किया। हम लोग तो कहा गलती से आए आते नहीं तो बहुत बड़ी गलती होती है। ये मुख्तियार ने बताया कि ऐसा ऐसा है तो इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी है क्योंकि हमको आगे जाना है। इजाज भाई तो हम लोग आने से पहले इतना खुशी से रहते हैं कि इसीलिए इतना अच्छा माहौल बना था। तो अजय भाई का भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि जब भी यहाँ आते हैं तो वो आगे बढ़ के यहाँ के जनता का जो 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 समस्या है उसके बारे में हमें पहले ही बता। तो मुझे लगता है इधर यहाँ मैं 2-3 बार आके गया और जो बारिश के बाद काम होने का वो काम चालू हो गया। मुझे लगता है वो एनएच चौले साहब अभी काम शुरू किए, बराबर है। बाकी आपको मैंने 8 दिन पहले आके जो बताया था वो जो सर्वे करेंगे बारिश की वजह से रुका रहेंगे। आपकी जो भी समस्या है मैंने आपको 2-3 बार आने के बाद बताया हूँ कि आप किसी को मिलने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्ट मिलने से भी आपका काम हो जाए। लेकिन यहाँ क्या है आपको बोलता हूँ, यहाँ समस्या भी बहुत है। छोटे छोटे रास्ते हैं, छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ की काम करना उतना इजी नहीं है। लेकिन किसी भी हालत में कौन सा ही काम आगे होके आपका काम किया जाएगा। माइनॉरिटी वो तो मेरे डिपार्टमेंट में आता है और हमारे अनिल बन के साथ भी उसके अध्यक्ष है। माइनॉरिटी लोन का भी वगैरह कौन सा भी आपका एप्लीकेशन सा है वो सभी हमारे अनिल बन के साथ से थ्रू से ही पास होके आता है मेरे पास। मैं राज्य का उधर लेते वक्त स्पेशली आप बोला है बन के साहब ने और मैं बात किया हूँ क्योंकि हमारे एरिया में नॉर्थ में बहुत से मुस्लिम्स लोग है, यहाँ पे माइनॉरिटी लोग है, इसके लिए स्पेशल फंड डालने के लिए बोला है। हमारे सुरेश अग्री साहब की इजाजत के साथ मैं वो सभी काम करके इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो क्योंकि मैं सिर्फ जरिया बन रहा हूँ, मैं ये कुछ भी मेरे हाथ से नहीं हो रहा है क्योंकि ये सभी होने के लिए एक्चुअली बोलना बोले तो
ये मेरा अध्यक्ष पद भी आना बोले तो भी मेरा एक सम्मेलन बोलते ना सब लोगों के साथ मिलाप रहने की वजह से है। एक सिर्फ एक स्वामी जी है, वो स्वामी जी अंगड़ी साहब को और मेरा वो तीनों जने का हमारे तीनों चारों जनों का लिंक ऐसा है कि हमेशा रहते हैं सब मिलके। वो बोले नहीं माइनॉरिटी का है कर दो उसे बोलते बोले तब बाद में ये हुआ है। इसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सब लोग मिल के साथ में रहने से ये फायदा बहुत अच्छा होता है। सब लोग मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे क्योंकि जरिया हूँ अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। हम लोग नहीं कुछ भी नहीं यहाँ पे बैठे सारे भी कुछ भी नहीं अल्लाह के पास दुआ करेंगे इंशाल्लाह हो जाए काम। शुक्रिया और बहुत खुशी की बात है। मैं इस इलाके में नहीं आया था, आज पहली बार आ रहा हूँ और बलगाम स्मार्ट सिटी है। ये स्मार्ट सिटी में नरेंद्र मोदी का सोच है। इस देश में कोई महिला कोई आदमी मुझे घर नहीं है बोलकर बोलना नहीं है। स्वतंत्र के 75 वर्ष होता है और महात्मा गांधी जी का 185 साल होता है। इस अवसर पर 2022 के पहले हर आदमी के लिए इस देश में घर होना जरूरी है। वो कन्याकुमारी से काश्मीर तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारतवासी जो भी है उनके लिए घर देने का हमारा फर्ज है सरकार का। हम देंगे उसके लिए आप निश्चिंत रहिए आने वाला दिनों में वो काम करेंगे। मगर मेरा विनंती है आप लोग नहीं बोलते बहुत दफा ये हमारा जात का है ये हमारे से उधर से आया है कोई रोहिंग्या नहीं दो कोई बाहर का रही दो जो सबके लिए दिल्ली के लिए नहीं होता। हमारे घर में 10 लोग कोई भी आ गया समझो उनके लिए खाना पीना सब देने के लिए नहीं होता है। वैसा देश में भी बहुत लोग बाहर से आके टेरा है और देश का असुरक्षा करके मुसलमान भाइयों का नाम खराब करने का व्यवस्थित पूरा दुनिया में चल रही है।